तो देखो भाई लोग, पिछले 2 घंटे से मैं सिर्फ घूम रहा हूँ दुर्गा पूजा के लिए कि कहाँ पर दुर्गा पूजा हो रहा है, और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैं चला गया बच्चे का मौज मस्ती देखने के लिए। तो बच्चे का हंसना भी देख लिए, कूदना भी देख लिए, झूलना भी देख लिए। तो अब चलो चलते हैं एक नए प्राणी से मिलने जो लंबे टांगों वाला 2 पैरों पर चलता है। उसके बाद मैं गया पॉपकॉर्न बनाने के लिए, पर यहाँ पर पॉपकॉर्न नहीं, कुछ और बन रहा है। तो मैंने भी सोच लिया क्यों ना मैं भी इसमें थोड़ा सा अपना हाथ मार लूँ। पर मेरे दुकान पे पहुँचते ही बेचारे का बुरा वक्त चालू हो गया, कोई कस्टमर नहीं आया मेरे पास। मैंने भी उससे माफ़ी मांग लिया, बस छोड़ो छोड़ो। 5 minutes later लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा मेरे जाते ही बहुत सारे कस्टमर भाई के पास आ गए। तो मैं भी सेल्फी लेकर चला अपनी मंजिल की तरफ। तो देखो भाई लोग, मैं यहाँ आया था दुर्गा पूजा के लिए, लेकिन यहाँ पे दुर्गा पूजा का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्यों ना टाइम पास के लिए थोड़ा सा मॉल घूम लिया जाए। तो अब हम आ चुके हैं मॉल के अंदर, लेकिन ये क्या मैक्स ही। तो फाइनली मैक्स के अंदर आने के बाद मेरे को खुजली जाग गया, अब तो यहाँ से कुछ लेकर ही जाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं ट्रैक से, ट्रैक के प्राइस से। तो रहने दो फिर। तो यहाँ से मैं तो कुछ लूंगा नहीं, पर मस्ती करके जाऊंगा। तो गया मैं ट्रायल रूम में, खुद को देखा, नए कपड़ों के साथ देखा, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्लैक। तो बहुत जल्द हमको मालूम हो गया कि मेरे लायक यहाँ कुछ भी नहीं। तो मैं अपना टोकन देके बैग लेके चला अपनी मंजिल की तरफ, और हमारी मंजिल है दुर्गा पूजा। तो फाइनली मैक्स को टाटा बाबा बोलने के बाद अब चला मैं स्कूटर की तरफ। ये भी सही चीज है यार, हम स्कूटर का बात कर रहा था। तो आ गया मैं स्कूटर की तरफ, और इसका लोगो कुछ देखा देखा जैसा लग रहा है। हाइला बुगाटी, शार्क टैंक देखना पड़ेगा ही। तो अब हम लोग चले बच्चे लोग का मस्ती उस्ती देखते हुए अपने सबसे फेवरेट चीज की तरफ, आईफोन। से नजर हटी थी, फिर अचानक इस पे नजर चली गई, बिग भारतीय उत्सव। सोच रहा हूँ 4-5 कार ले ही लू। तो अब आगे बढ़ते हैं कॉकआउट की तरफ, वर्कआउट की तरफ। तो वर्कआउट करके मैं थक चुका हूँ, तो अब चलते हैं कुछ चेकआउट करने के लिए। तो सब जगह घूमते घूमते अब आ गया मैं लैपटॉप की तरफ, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है HP का लैपटॉप। और इसका एक जादू दिखाऊं, हिला जादू क्यों हिला डाला। तो ये थे हमारे भैया जो कैमरे के सामने आने से थोड़ा सा डर रहे थे, पर फिर भी हाय बोलिए हमारे व्यूअर्स को। तो गाइज अभी मैं थोड़ा सा लैपटॉप देखने के लिए आया हुआ था, और भैया आप लोग को बता रहे हैं कि कौन सा ट्रेंड जनरेशन राइजन 5, 4, 3, 2 ऐसे ही वाला, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर फिर ट्राई कर रहा हूँ देखने का, पसंद आया तो भैया। क्या बात है। तो फाइनली बाहर आ गया मैं, अब चलिए चलते हैं सीधा दुर्गा पूजा में। लेकिन 1 सेकेंड, जाना कैसे है ये तो पता ही नहीं। तो फाइनली मैंने अंकल से पूछा कि दुर्गा पूजा कहाँ हो रहा है। तो अंकल ने बोला इस एरिया में आपको दुर्गा पूजा देखने को मिल जाएगा। आप मैं नाइट ड्यूटी करके गया तो था, मालूम नहीं है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं सीधा दुर्गा पूजा की तरफ। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा कि मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं। यहाँ से कोई रास्ता है क्या यहाँ से जाने के लिए? तो जिस चीज का डर था वही हुआ, जल्दी का काम शैतान का। मैंने जल्दबाजी की, मैं गलत रास्ते पे आ गया, अब सही रास्ते की तलाश में चलते हैं। फिर मैं पिछले लास्ट 15 नहीं 2 घंटे से
लास्ट दो घंटे से मैं सिर्फ घूम रहा हूँ लेकिन आज तक अभी तक एक भी सुराग नहीं मिला। ये क्या है भाई? अच्छा, कार वॉश करने वाला सेंटर। कोई नहीं, अपना ब्रेन वॉश हो गया है, यहाँ पे कार वॉश करवाना है। लेकिन हमको क्या मालूम था, जिस चीज़ को मैं कार वॉश समझूंगा वो एक्चुअली में कुछ और ही निकला।